के समझ लेवल जाओ। तो देखो पारदर्शी पदार्थ के कहल जाला जौना से प्रकाश आसानी से पार कर जाए का कहीं ना जा पारदर्शी पदार्थ। जैसे में तारा के हम बता दी केकरा से आसानी से प्रकाश पार कर सकता, एक हो जाए कांच, का हो जाए कांच, औरी हवा वायु है, औरी उदाहरण कुछ याद कर ले बड़ा लोग तहन लोग, पानी, पानी से भी प्रकाश का होला ना पार आसानी से पार हो जाला, ना पार ना होला आसानी से पार हो जाला। कबो कबो तू देखी हो तू गंदा पानी नहरी में नहले बड़ा तो नहरिए वाला पानी नु जनबो आए, कबो स्विमिंग पूल में नहले बड़ो गांव में बड़ो तो गांव के पानी जान तोड़ो, नहर में नहले बड़ो तालाब में नहले होबो। तो देखो स्विमिंग पूल के पानी जोन होला साफ उजर होला, मतलब उजर का होला पानी के कोनो रंग ना होला, मतलब कि एक प्रकार से ओकर कोनो रंगहीन होला पानी जैसन होला। तो देखो पानी कबो गिलास में रखल देखले होबो, देखल कौची गिलास में कांच के गिलास में, का के गिलास में कांच के गिलास में बहुत सारा पानी बटे है, तो का प्रकाश आसानी से पार ना कर जला हेन से देखो तो किनारवा के चीज ना तारा दिखाई देला है, दिखाई देला नु। आ चाहे कबो कबो तू देखी हो नहर में भी नहब तो अंदर जाए ना के बाद अंदर पानी के अंदर जैला के बाद तारा अजोर टाइप के दिखाई देला, दिखाई देला, दिखाई देला नु अजोर टाइप के, तो करा से प्रकाश पार होता तबे तारा वो अजोर टाइप के दिखाई देता ना, तो ना दिखाई दे काहे ऊपर चल जाए हैं ना, लाइट पानी अंदर ला पा काहे ऊपर चल जाए, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होला हो जाले रिफ्लेक्ट करेला लाइट, और कुछ हिस्सा भी जाला पानी के अंदर ऐसा नहीं है कि मय के मय किरण रिफ्लेक्ट हो जाला, कुछ हिस्सा पानी के जाला अंदर। तो समझ में आई पारदर्शी पदार्थ के करा कहल जाला। अब एकरा बाद का बटे पराभासी, पराभासी पदार्थ, पराभासी पदार्थ का है पराभासी पदार्थ जेवना से प्रकाश के सिर्फ एक छोटा सा भाग ही पार कर पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराभासी पदार्थ बोलते हैं। छोटा सा भाग सिर्फ तनी सा भाग, मतलब कहे के समझो सिर्फ तनी सा भाग पार करे ओकरा का कहिना जा हमनी के पराभासी पदार्थ कहिना जा। जैसे में कि हम तारा के बता दी का हो जाए धुआं, धुआं धुआं हो जाए ना, ये आ रही क्या हो धुआं, धुआं हो जाए तेल, तेल से, तेल से लगा, तेल से ना लिखा हाँ, तेल लगा कागज लिखा, तेल, तेल लगा कागज, कागज तेल लगा कागज, और बैलून, बैलून का रबर, चाहे पेट देखो पेट भी हो जाए, आँख के पलक, आँख के पलक, आँख के पलक, आँख के का पलक, और कुहासा भी होला बहुत सारा उदाहरण एकर बाटे। तो देखो धुआं, धुआं तेल से लगा कागज, पेट, आँख के पलक, देखो अब समझो कैसे तारक बताओ तनी। कबो कबो तो हम लोग देखल बोलो कि कागज भिजो रहेला तेल से तो ओकरा पार देखला पर हे तारा देखब ओकरा के तो ओकरा तनी तनी ओ किनारा का होला दिखाई देला, दिखाई देला नु। चाहे तारा कोनो कापी पर तेल गिर गुल होके ओकरा के देखियो लो ओ किनारा कछरिया दिखाई देला, दिखाई देला ओ किनारा कछर नु, तो ओकरा से का होला बहुत थोड़ा सा भाग ही ओकरा से प्रकाश का कर पावेला, पार कर पावेला। जैसे में कि आँख के पलक, कबो कबो रात में सुतल रहब, रात में सुतल बड़ो, नींद में सुतल बड़ो, सुतल रहब तो तनाव तरह बुझाई, लेकिन अभी तत्काल में सुतल बड़ो, मान लो कि अभी तनि तारा ऊँ ही लागत धीरे धीरे, अचानक लाइट कट जाला तो तारा पता चल जाला कि का भइल बटे लाइट कट गई बा। कैसे पता चल जाला, काहे से कि तारा आँख के जौन पलक बा एकरा से प्रकाश का हो जाता, पार हो जाता, तबे तारा पता चल जाता कि जब लाइट कटेला तो बुझा जाला लाइट कट गई, ना तो तारा पता ना चली। तो आँख के पलक भी होला, पेट भी होला है, पेट में पेट दे बा उदाहरण, हाँ का दे का दे पेंट पेंट दे बा पेटे है, पेट हो ना सारी अब कल अब अपारदर्शी में ना पेट ना होई, चलो हाँ ठीक है, थोड़ा कहे से कि से प्रकाश पार थोड़े हुई है जा लाइट बार अब तो किनारा थोड़े निकल के आ जाए, पेंट लिखल चलो चलो समझ गुल बारो लो नू एक कहल जला पारदर्शी पदार्थ। अब एक बाद बाटे अपारदर्शी, अब समझल जाओ अपारदर्शी के कहल जाओ अपार,
पार अपारदर्शी 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 पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ तो देखो अपारदर्शी पदार्थ ओकरा के बोलल जाला जेना से साफ ही प्रकाश पार ना कर पावे ओकरा का कहना जा अपारदर्शी अपारदर्शी के मतलब समझ जालो कि जेना से प्रकाश साफ ना पार कर पावे ओकरे का कहने जा अपारदर्शी पदार्थ बोलने जा जैसे कि पहले हम तारा के उदाहरण देके बताओ तनी जैसे कि हो जी तारा से लोहा का हो जाई लोहा घिसा हुआ कांच ओकरा से आसानी से हल्का प्रकाश का होला पार कर जाला क जाला उ ना होई धातु का प्लेट हो जाई धातु का प्लेट पत्थर पत्थर जी पत्थर नो पत्थर गलती नहीं लिखल है सही लिखल भाई नो लकड़ी मोटा का चलो देखो अब लोहा भइल जे से प्रकाश आसानी से पार कर जाई कबो नहीं के कर सकत कबो देखले बड़ो कोई लोहा के चश्मा पहनेला भोजपुरी में तो ऐसे चलेला कराकेट के चश्मा पहन ली है तो मतलब ओकरा से प्रकाश आसानी से पार ना कर पावेला ना तो लोहा के चश्मा ना आदमी पहन के चलतन है कहतन हमार सोना के चश्मा हो बनवा लेतन आदमी सोना के चश्मा लोहा से प्रकाश पार करी तो बनवा लेतन हो तू का जन तोरा रंगबाज इतना आदमी बनन की का केना उ चश्मा बनवा लियन कोई चांदी के चश्मा पहन के चली धातु के प्लेट मतलब कि जैसे कि हमनी के घर में बर्तन बाटे जौना में खाना खाइना जाऊ धातु के प्लेट हनु का ओकरा से आर पार लोग जला है नानु लोग केला तो धातु के प्लेट से प्रकाश ना पार पावेला चाहे का बाटे पत्थर ओकरो से प्रकाश ना पार का पावेला चाहे लकड़ी से भी प्रकाश पार ना कर पावेला ये सब का हटे जौना से प्रकाश पार आसानी से नहीं खे कर सको प्रकाश आसानी से प्रकाश पार नहीं खे कर पावत का जैसे में हल्का हल्का पार कर जला हल्का हल्का तनी सा प्रकाश के सिर्फ छोटा सा भाग पार कर पावेला तो ओकरा के का बोलब जा परभाषी बोलब जा आ जौना से प्रकाश साफ ना पार कर पाई ओकरा का कब बने जा अपारदर्शी जौना से हल्का प्रकाश साफ पार कर जवला ओकरा के पारदर्शी त ई सब कोई तारा लोग के याद हो जाई एकदम मुखड़ी है याद हो गेल कि ना ओ तो उदाहरण समझ में आ गेल बनू सब लिखवाइबो ना करो तो याद जी।